कोविड-19 महामारी के दौर में एक्टर सोनू सूद हर जरूरतमंद की मदद कर रहे हैं। माइग्रेंट वर्कर्स से लेके आम आदमी तक हर किसी की मदद सोनू सूद कर रहे हैं। इस बार सोनू सूद ने हैदराबाद की एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की मदद की है। इस लड़की की नौकरी कोरोना की वजह से चली गई और इस लड़की को घर चलाने के लिए सब्जी बेचना शुरू करना पड़ा। लेकिन जब सोनू सूद तक ये बात पहुंची, तब उन्होंने मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाए और इस लड़की को नौकरी दिलाई। दरअसल इस सॉफ्टवेयर इंजीनियर का एक वीडियो ट्विटर पर शेयर किया गया था, जिनकी नौकरी कोविड-19 की वजह से लगे लॉकडाउन के दौरान चली गई थी। ऐसे में ये लड़की सब्जी बेचने लगी थी। एक यूजर ने इस वीडियो में सोनू सूद को टैग करते हुए लिखा, डियर सोनू सूद, ये शारदा है जिसे कोविड क्राइसिस के चलते उनकी नौकरी से निकाल दिया गया था, लेकिन हार ना मानते हुए अपने परिवार का सपोर्ट करने के लिए इसने सब्जी बेचना शुरू कर दिया। प्लीज देखें अगर आप इनकी किसी भी तरह मदद कर सकते हैं तो। उम्मीद है कि आप जवाब देंगे। कुछ देर बाद सोनू सूद ने भी इस अपील का जवाब देते हुए लिखा, मेरे अधिकारी इस लड़की से मिले, इंटरव्यू हो चुका है, जॉब लेटर भी भेजा जा चुका है, जय हिंद। आपको बता दें कि सोनू सूद ने कोरोना लॉकडाउन के चलते कई सारे मजदूरों को उनके घर पहुंचाया था, जो कोरोना लॉकडाउन के चलते अलग अलग राज्य में फंस गए थे। यही नहीं, सोनू सूद ने अप्रवासी मजदूरों की मदद करने के लिए और उन्हें नौकरी दिलाने के लिए एक नया प्रयास शुरू किया है। प्रवासी रोजगार के नाम के इस प्रोग्राम के जरिए वह कई जरूरतमंद लोगों को नौकरी दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। अब हर कोई सोनू सूद से मदद मांग रहा है। लोग सोशल मीडिया पर अपनी तकलीफें सोनू सूद को बता रहे हैं, क्योंकि उन्हें उम्मीद है कि सोनू सूद उनकी सारी तकलीफें दूर करेंगे।